बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की मेरी रेसिपी है कुल्फ़ा, जो बहुत ही सिंपल बनता है, तो इसको मेरे स्टाइल में बनाइएगा। इसके लिए मुझे चाहिए जो है, मैंने 2 लीटर जो है दूध लिया है, ये ठीक है जी, 2 लीटर मैंने दूध लिया है। और साथ में ये किश्ता क्रीम है, आप कोई सी भी क्रीम जो खाने वाले यूज़ कर सकते हो। इसको सिर्फ दूध को, दूध का टेस्ट चेंज करने के लिए और थोड़ी सी थिकनेस के लिए चाहिए होता है, गाढ़ा गाढ़ा करने के लिए। और साथ में ये पिस्ता बादाम मैंने इस तरह इसको जो है इसको ग्राइंड कर लिया है। साथ में किशमिश डाल रही हूँ, और साथ में ये है इलायची पाउडर, और ये गार्निश के लिए है बादाम और पिस्ता, और 1 कप चीनी जाएगी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर ज़्यादा लेते हैं जो मीठा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो यूज़ कर लें। चलिए जी बनाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। तो और मेरी हर नई वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, भी हम जो है दूध को पहले गर्म करते हैं। दूध डाल दिया है, दूध को तकरीबन आपने जो है आधा घंटा जो है हमने पकाना है। 2 लीटर दूध था तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1 लीटर से भी मतलब थोड़ा कम हो जाए। तो अभी इसमें मैं चीनी डाल के साथ में इसको, ये हो सकता है आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम ले, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे और अपने पिस्ता बादाम डालेंगे सब जितने नट्स। माशाल्लाह दूध बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अभी हम इसमें जो है किशमिश डाल देंगे। किशमिश जो मैंने 1 कप लिया है, और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिस हमने खुशबू के लिए डालना है। बस तो यहाँ तक था, तो अभी ये नीचे चला गया, तो तकरीबन हाफ और अभी हमने इसको जो है वो पकाना है। तो साथ में थोड़े से भी ये डालें, सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़रूरत पड़े अगर आपको तो आप और डाल लें। थोड़ा सा और जो है दूध खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें जो है एक क्रीम डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये जो है 1 लीटर जो है ये रह गया दूध, तो इस टाइम जो हमारा ये रेडी हो गया, तो मैं साथ में ये क्रीम डाल रही हूँ। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 5 मिनट तक इसको, जब ये सही मिक्स हो जाए तो फिर ये हमारा मज़ेदार सा कुल्फा रेडी हो। तो साथ में हम लोगों ने क्या करना है, इसको फिर मैं एक डिब्बे में डाल के इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र भी तकरीबन इसको 4 घंटे चाहिए, तो हमने इसको रूम टेम्परेचर आने तक जो है उबाल रखना है। फिर उसके बाद हम जो है इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 4 घंटे, ठीक है जी। अभी हम 4 घंटे के बाद फिर मिलते हैं, होते हैं इसके लिए। तो ये थोड़ा सा फ्रिज के अंदर जाके अनबैलेंस हो गया जी, माशाल्लाह से कुल्फा रेडी हो गया है। तो आप इसको जो है फालूदे में यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड बनाएं, उसके साथ डेजर्ट बनाएं कि आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। फिर जी अल्लाह हाफिज़।